तो सर एक ही चीज़ है, एक्टर हो, राइटर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहानी अच्छी होनी चाहिए और लोगों को आनंद आना चाहिए। पिछले दिनों में आप देखो इतनी फिल्में आई है, छोटी छोटी फिल्में आई है, उन्होंने खूब धंधा किया है। अपन सोच नहीं सकते उतना बड़ा धंधा फिल्में करके गई है। तो मेरा तो यही कहना है कि अच्छी फिल्म बनाओ तो फिर एग्जीबिटर सामने से आएंगे। सर बात करें बोल्ड की, जो बोल्ड जो है जी, सबसे पुरानी कंपनी कह सकते हैं इसको जी, उस टाइम पे टीवी का दौर था जी, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? नहीं वो देखिए हर जन्मदाता कह सकते हैं, डिजिटल का जन्मदाता कह सकते हैं, नहीं ये तो नहीं, लेकिन वीडियो का जरूर कह सकते हो आप। वीडियो में हम लोग नंबर वन थे और जब तक वीडियो ख़त्म हुआ जब तक नंबर वन ही रहे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर दौर चेंज होता है, हर दौर में टेक्नोलॉजी चेंज होती है। पहले मूक फिल्में थी, उसके बाद फिल्म आई, ब्लैक एंड वाइट आई, फिर कलर फिल्में आई, उसके बाद में वीडियो आया, वीडियो के बाद में VCD आई, उसके बाद DVD आई, उसके बाद ब्लू-ray आए, अब सब डिजिटल हो गया। लोग अपने मोबाइल पर देखने लग गए, कंप्यूटर पर देखने लग गए। तो ऐसी फिल्में देखिए आप, पहले 80-100 थिएटर में रिलीज होती, बड़ी रिलीज मानी जाती थी, आज 1,000 थिएटरों में रिलीज हो रही है, 4,000 थिएटरों में रिलीज हो रही है। तो यही है सर, अगर ये चीज़ें अगर बात करें, पहले जो है डिजिटल जैसे बढ़ता जा रहा है, काम कम होता जा रहा है, काम बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में क्या कहें? क्योंकि गोल्ड जो था, गोल्ड की सबसे महंगी फिल्में होती थी, शोले की बात करें तीन तीन फिल्में आती थी VCD, वो लंबी फिल्में उस समय 3 घंटे की फिल्में होती थी और VCD कोई भी 1 घंटे से ज़्यादा की VCD बनती नहीं थी, तो इसलिए मजबूरी थी वो 3 पार्ट में करने के लिए। अब देखिए VCD का ज़माना ख़त्म हो गया। आपको याद होगा पहले आप कंप्यूटर आया तो फ्लोपी होती थी, उसके बाद CD पर राइट होने लग गई। आज कौन CD पर राइट करता है? हर आदमी आज पेन ड्राइव पर करेगा और करके निकल जाएगा। आज 50-50 फिल्में एक छोटी सी पेन ड्राइव पर आ जाती है। तो ये डिजिटल का दौर है, अच्छा है, आने वाले समय में और नया दौर आएगा। और अगला विजिट क्या है आपका, इसके अलावा कुछ क्या सोच है आगे? कुछ जैसे आप एक वीडियो कैसेट से जो है पूरा बिजनेस स्टेज पे कन्वर्ट कर गए आप सिनेमा हॉल में, मुझे लगता है कितने सिनेमा हॉल गोल्ड की अगर बात करें? गोल्ड के कुछ ज़्यादा नहीं है, हमारे 134 स्क्रीन्स है और हमारी 36 सिटी में प्रेजेंस है। और आने वाले समय में समझिए अगले मार्च तक और 15 सिटी हम लोग कवर कर लेंगे। लेकिन हमारा फोकस एक ही रहता है कि हमको मद्रास नहीं जाना है, हमको कलकत्ता नहीं जाना है, हमको दिल्ली नहीं जाना है, हमको ज़्यादातर जाना है कलकत्ता के पास। वो हरियाणा है तो हरियाणा में हमको चंडीगढ़ नहीं जाना है, लेकिन हरियाणा में हम नारनौल में हैं, हरियाणा में हम रेवाड़ी में हैं, हरियाणा में हम अम्बाला में आ रहे हैं। तो हमको ऐसे सिटी जहाँ लोगों को सुंदर और सस्ता मनोरंजन चाहिए वहाँ लेके जा रहे हैं हम लोग सारे थिएटर। सर घर घर तक पहुँचाना गोल्ड का पहले भी रहा है और अभी भी रहा है? अभी भी वही होगा, आने वाले समय में आप देखना कि वही थिएटर चलेंगे जो अपनी प्राइस कम रखेंगे और जो जनता को सच्चा सुलभ मनोरंजन देंगे। सर आप प्रोड्यूसर भी हैं, सबसे बड़े बजट की फिल्म थी कटरों के खिलाड़ी, हाँ क्या देखिए वो हम लोगों ने करीब 65 फिल्में प्रोड्यूस की और सब बड़ी फिल्में की, विजय पथ से लेके आखिरी में द हीरो तक सारी बड़ी फिल्में हम लोगों ने की। लेकिन इसमें अब भी क्या मजबूरी हो गया कि अब हीरो हीरोइनों की और टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन की रेट बहुत ज़्यादा हो गई। पहले हमको मालूम होता था इस फिल्म में 5 करोड़ खर्च होंगे तो हमारे क्या तो 6 करोड़ आएंगे या 1 करोड़ टूटेगा।
ये व्यापार होता था, तो उसमें रिस्क नहीं होता था, घर बार नहीं बिकते थे। आज के फिल्मों की कॉस्टिंग 100-100 करोड़ आ गई है, तो आज आप लोग सुनते हो कि भाई 200 करोड़ बिजनेस कर लिया, 150 करोड़ बिजनेस कर लिया, तो वो फिल्मों की कॉस्टिंग ही उतनी है। वो 100-150 करोड़ का बिजनेस करते हैं जब तक तो उनका कवर ही नहीं होता है कुछ, तो वो फर्क आ गया। अपना सर वेब सीरीज आने से सिनेमा जगत में क्या बदलाव आया है? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, पहले एक दूरदर्शन था और दूरदर्शन के बाद में अभी 136 चैनल आ गए। पहले एक दूरदर्शन पर खाली खबरें देखते थे, अब हर से आप रिमोट चेंज करो, जी न्यूज है, आज तक है, इंडिया टीवी है, कम से कम 36 न्यूज़ चैनल है। लेकिन आदमी लॉयल होता है कि मैं इस न्यूज़ चैनल पर देखता हूँ तो मैं आज तक ही देखूँगा, मैं जी न्यूज ही देखूँगा, मैं यही देखूँगा। वैसे ही जो सिनेमा के दर्शक हैं वो लॉयल होते हैं, उनको सिनेमा में ही जाके सिनेमा देखना है। देखिए कि हमारे घर में भी हमने होम थिएटर बना रखा है, लेकिन हमारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं, हम सिनेमा में ही चल के सिनेमा देखेंगे। उनको कहे क्यों, कि यहाँ एक माहौल है, सिनेमा का माहौल है, या पॉपकॉर्न चाहिए, उनको समोसा चाहिए, अंदर बैठे 100 दर्शकों के बीच में तालियों की क्लेप उनको देनी है, सीटी उनको बजानी है, तो वो माहौल घर में नहीं हो सकता। आपको याद आता है कभी आप अकेले कोई टीवी पर फिल्म देख रहे हो, आपने कभी सीटी बजाई हो, आपने कभी ताली बजाई हो, आप कभी खुल के हंसे हो? क्यों नहीं हंस पाते? कारण कि साथ होता है तो ही आदमी हंस पाता है, ताली बजा पाता है, और वो माहौल सारा सिनेमा में ही मिलता है। गोल्ड के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। हम लोग क्या है, अभी हम लोगों ने, जैसे आपको शायद मालूम नहीं, हमने आसाम गवर्नमेंट से एग्रीमेंट कर रखा है, वहाँ जितने भी बस स्टैंड है उसके ऊपर हम लोग सिनेमा लाए हैं। तो आसाम में आप जाओगे तो हर दूसरे शहर में गोल्ड ही मिलेगा। वैसे अभी हम लोगों ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया है, महाराष्ट्र के गांव-गांव जहाँ पर कभी कोई मल्टीप्लेक्स की सोच नहीं सकता, वहाँ छोटे छोटे 125-125 सीट के 2-2 स्क्रीन हम लोग हर छोटे शहर में ला रहे हैं। वैसे ही हम लोगों ने अभी हम लोग सोच रहे हैं कि सिंगल स्क्रीन जो बंद पड़े हैं 5-5, 6-6 साल से, उन सबको रिनोवेट करें, एयर कंडीशन करें, बढ़िया बाथरूम, बढ़िया सीटें, बढ़िया साउंड, बढ़िया प्रोजेक्शन, वो सब दे और सस्ता दे, जिससे कि हर आम आदमी भी देख सके। देखिए कि फिल्म का देखने का मन हर आदमी को होता है, लेकिन क्या होता है कि आज एक थिएटर की रेट 200 रुपया है और एक रिक्शे वाला है, वो 200 रुपया नहीं अफोर्ड कर पाता है, तो वो मजबूरी में, लोग ये अभी भी प्रोड्यूसर समझ नहीं रहे हैं कि मजबूरी में उसको डाउनलोड करनी पड़ती है फिल्म, मजबूरी में उसको मोबाइल पर देखना होता है। वही आप 80-100 रुपये में उसको टिकट में फिल्म दिखाओगे, वो अपनी बीवी को लेके आएगा और वो इंजॉय करेगा और वो डाउनलोड भी नहीं करेगा पिक्चर। कारण जो सिनेमा का ग्लैमर है, ग्लेंजर है, वो कहाँ मिलने वाला है उसको। सोच है कि मल्टीप्लेक्स है तो महंगा होगा, अगर कोई प्रोड्यूसर है अपने फिल्म को रिलीज करना चाहते हैं, उसका क्या प्रोसेस आप बताना चाहेंगे? क्या मैं समझा दें, जैसे कि कोई फिल्म है अपने यहाँ पे रिलीज कराना चाहता है, हाँ, तो लोग सोचते हैं कि नहीं मल्टीप्लेक्स बहुत महंगा है, ऐसा क्या है, उसके बारे में क्या सिस्टम क्या है? आज कोई भी पिक्चर सक्सेस ही नहीं हो सकती जब तक मल्टीप्लेक्स में नहीं जाए। कारण कि सिंगल स्क्रीन में लोग जाते नहीं हैं, पुराने थिएटरों में इसलिए नहीं जाना पसंद करते हैं, वो इसलिए नहीं कि स्टेटस सिंबल है कोई। आज जयपुर में राजमंदिर सिनेमा है तो आज सिंगल स्क्रीन स्टेटस सिंबल है, लोग मल्टीप्लेक्स में नहीं जाके उसमें जाते हैं। और आज एक मल्टीप्लेक्स में एक स्क्रीन 100-125 सीट से ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन वो 1270 सीट का सिनेमा हॉल है, फिर भी वो हाउसफुल होता है। तो वो इसलिए होता है कि आज भी उसकी रेट आप देखिए कंपैरिजन मल्टीप्लेक्स से सस्ती है, और वो आज भी एक आइकॉनिक बना हुआ है। तो उसका कारण यही है कि आप सुविधा, वो डिट्टो मल्टीप्लेक्स वाली सुविधा देता है, आप जाइए, अच्छे बाथरूम है, अच्छी सीटें हैं, हर तरह का कम्फर्ट है, एयर कंडीशन है, प्रोजेक्शन, साउंड। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जितने भी सिंगल स्क्रीन है उन सबको पहला काम रिनोवेट करने का करना चाहिए। क्या गोल्ड सिनेमा इसमें आगे आ गया? जैसे एक हम ग्रैंड टूर की बात करें, इंपीरियल जो है अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है, हाँ, उसमें आज भी मटके से पानी पिलाया जाता है, कोई कैंटीन नहीं है कुछ नहीं, आज भी घड़े से पानी पिलाया जाता है जी। तो इस केस में लेकिन आपने उसकी टिकट की रेट चेक की, कितने रुपये है? काफी लो है वो, हाँ, तो फिर वो कहाँ से देगा? आज भी पर्दे लगे हैं, पंखे चलते हैं, आज
वो सर वो क्या उसके लिए आगे आ गया कौन सिनेमा? तो आगे आ रहा है ना, हम लोग सिंगल स्क्रीन कर ही रहे हैं, हमारे मैक्सिमम खाली है, गोल्ड चेन ऐसी है जिसके सिंगल स्क्रीन है, बोरीवली चले जाओ आप, पुराना हिंद माता सिनेमा था वो दादर में तोड़ के हमने गोल्ड सिनेमा बनाया, सिंगल स्क्रीन ही है, लेकिन आप जाके देखिए मल्टीप्लेक्स की तरह मिलेगा आपको, और रेटें चेक करिए, आप पूछो मत, हर ऐसी कौन सी मराठी फिल्म है जिसका प्रीमियर वहाँ नहीं होता है, ऐसे म्यूजिक रिलीज नहीं होता है, सब हमारे थिएटर में होता है, तो आप ये आप सुविधा दीजिए फिर आदमी आएगा। नहीं, ये होता है, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, फिल्मों को प्रमोट कर रहे हैं।